बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स 9 चैप्टर नंबर 10। देखिए, आज के इस लेक्चर में हमने थ्योरम 10.1 को प्रूव करना है, तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। स्टेटमेंट सबसे पहले देखिए कि इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कोरेस्पोंडिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। यानी हमने इस थ्योरम में टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो इसलिए हमें टू ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इस बात को माइंड में रखें कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमने थ्योरम को याद करना है, रट्टा लगाना है, लेकिन मैं जिस तरह से आपको करवाऊंगा इसके थ्रू आपने, चाहे आपको फिगर चेंज भी कर दी जाए, वर्टिसेस चेंज भी कर दिए जाएँ, आपको उसका मीनिंग भी समझ में आ रहा होगा और आपको उसका प्रूफ भी करना, उस थ्योरम को प्रूव करना भी उस तरह से आ रहा होगा। सो ट्राई करें कि आप थ्योरम का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर सकें, ना कि आप उसे रट्टा लगा सकें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इट मीन्स आपको दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करने, तो आप देखिए कि हमने टू ट्राइंगल्स ड्रॉ कर दिए। आप स्टेप बाय स्टेप इस थ्योरम को पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल्स को आप कंपेयर करें, हमने ये दो ट्राइंगल्स इसको पढ़ के ड्रॉ किए। इफ़ के बाद जो कुछ आ रहा होता है वो सब कुछ आपको गिवन होता है, और देन के बाद जो कुछ आता है वो आपने प्रूव करना होता है। तो अब देखिए कि हमें ये गिवन है कि इन दो ट्राइंगल्स में कोई एक साइड और कोई से दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं दूसरे ट्राइंगल की कोरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स और एक साइड के साथ। हमने प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल्स फिर कॉन्ग्रेंट होंगे। तो सबसे पहले तो हम गिवन डाटा को लिखते हैं। देखिए, उसने हमें कहा कि जी एनी कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स ड्रॉ करें। देखिए, टू ट्राइंगल्स को कंपेयर करने के लिए, यानी उनकी कोरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ करने के लिए हमारे पास टोटल 6 चॉइसेस होती हैं, ए बी सी, तो दूसरी तरफ से डी ई एफ। अगर हम स्टार्ट करें ए सी बी, तो वहाँ से आप लेंगे डी ई एफ ट्राइंगल। इधर से अगर हम कोरेस्पॉन्डेंस लें बी सी ए, वहाँ से लेंगे ई एफ डी। बी ए सी लें तो ई डी एफ लेंगे, सी ए बी लें तो वहाँ से एफ डी ई लेंगे, सी बी ए लें तो यहाँ से एफ ई डी लेंगे। सो इन टोटल 6 कोरेस्पॉन्डेंस में से कहता है कोई सी कोरेस्पॉन्डेंस ले लो। इन एनी कोरेस्पॉन्डेंस मीन्स कोई भी कोरेस्पॉन्डेंस इन दो ट्राइंगल्स की ड्रॉ कर लें। हम कोरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ करते हैं ए बी सी इन कोरेस्पॉन्डेंस विद डी ई एफ, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। उसने हमें कहा एनी कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, हमने ट्राइंगल ए बी सी की कोरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ कर दी ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। वो कहता है इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कोरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर, इट मीन्स के हमने इन दो ट्राइंगल्स में से कोई एक साइड और कोई से दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट लेने हैं अगले ट्राइंगल के साथ। तो अगर हम इन थ्री साइड्स में से, उसने एनी साइड का, हम कोई एक साइड कॉन्ग्रेंट ले लेते हैं, फ़र्ज कर लेते हैं ये साइड। अब ये साइड बी सी कॉन्ग्रेंट है करस्पॉन्डिंग साइड के साथ, बी सी को रिस्पॉन्ड करता है ई एफ, तो आपने ई एफ साइड को कॉन्ग्रेंट ले लिया। यानी उसने कहा था कि वन साइड कॉन्ग्रेंट लो, मैंने साइड बी सी और साइड ई एफ को कॉन्ग्रेंट ले लिया। उसने कहा था कोई से टू एंगल्स को भी कॉन्ग्रेंट लो, मैं ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट लूँगा, क्योंकि इस साइड के अंदर इन्वॉल्व होने वाले ये दो एंगल्स हैं, या इन दो एंगल्स के बीच में ये साइड आ रही है, इसलिए मैं इन्हीं दो एंगल्स को कंसीडर करूँगा। इन लाइंस के डालने का मकसद ये होता है कि ये वाली साइड इस साइड को रिस्पॉन्ड कर रही है, ये एंगल इस एंगल को रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ये एंगल इस एंगल को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो आपने इस तरह से ये डाल दिया। अब देखिए, तो हम कह रहे हैं कि साइड बी सी कॉन्ग्रेंट है, वन साइड कॉन्ग्रेंट है, तो हमने कह दिया बी सी कॉन्ग्रेंट है करस्पॉन्डिंग साइड के साथ, तो बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड है ई एफ अगले ट्राइंगल में। अब दूसरी बात है कि उसने कहा कि एनी टू एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट लो, तो कोई से टू एंगल्स ले लें, एंगल बी को कॉन्ग्रेंट लेते हैं, एंगल बी किस को रिस्पॉन्ड कर रहा है ई को, तो आपने एंगल ई ले लिया कॉन्ग्रेंट। उसके बाद कहता है एंगल, उसके बाद देखिए हमने सी एंगल को
किसके कॉन्ग्रेंट लिया, एफ एंगल के। तो हम एंगल सी को कॉन्ग्रेंट ले लेते हैं एंगल एफ के साथ। अब अगर हम इन एंगल्स को इस तरह से एंगल बी ना लिखें बल्कि ए बी सी लिख दें, एंगल ए बी सी से मुराद है ए बी सी जो कि बी वर्टेक्स पर है, या हम सी बी ए भी कह सकते हैं जो बी वर्टेक्स पर है। सिमिलरली हम इसको सिर्फ एंगल बी का भी नाम दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें एंगल डी ई एफ से मुराद है ई एंगल, एंगल एफ ई डी से मुराद है ई एंगल। जो भी थ्री अल्फ़ाबेट्स के बीच में एंगल आ रहा होगा, यानी जो अल्फ़ाबेट बीच में आ रहा होगा उस अल्फ़ाबेट पर एंगल बन रहा होगा। मिसाल के तौर पर ई एफ डी में, ई एफ और डी में एफ बीच में आ रहा है, सो एफ पर एंगल बन रहा है। डी एफ ई से मुराद है यही एफ एंगल, डी एफ ई। अब आप इसमें ये गौर फरमाइए कि अगर एक वर्टेक्स पर एक से ज़्यादा एंगल हो, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास डी ई एफ एक कोई मैंने अल्फ़ाबेट्स ले लिए, अगर एंगल ई पर, अगर वर्टेक्स ई पर एक ही एंगल बन रहा है तो आप इसका नाम एंगल ई भी कह सकते हो, इसी का नाम एंगल एफ ई डी भी कह सकते हो। लेकिन अगर इसी वर्टेक्स के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हों या तीन एंगल्स बन रहे हों, मिसाल के तौर पर इसका नाम एक्स रख देते हैं, तो अब एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये कंप्लीट बन रहा है, तो अब ई वर्टेक्स पर एक नहीं बल्कि तीन एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल एफ ई एक्स, एक एंगल एक्स ई डी, एक एंगल एफ ई डी। तो ई वर्टेक्स पर जब एक से ज़्यादा, किसी एक वर्टेक्स पर एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हों तो हम उसे सिंगल अल्फ़ाबेट से डिनोट नहीं करेंगे बल्कि उसकी इनिशियल रे और टर्मिनल रे को डिस्क्राइब करेंगे। ए बी सी एंगल अगर मैं कहता हूँ तो इनिशियल रे ए बी है और टर्मिनल रे बी सी है। अगर मैं एंगल सी बी ए कहता हूँ तो इनिशियल रे बी सी है और टर्मिनल रे बी ए है। तो अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपने थ्योरम को। देखिए हमने गिवन डाटा को पढ़ के कि वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर, हमने ये डाटा लिखा। अब मैंने आपको बताया देन के बाद जो कुछ लिखा हुआ होता है वो आपने प्रूव करना होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव व्हाट वी वांट टू प्रूव, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं जी, कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, कौन से ट्राइंगल जिनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ की है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। अब ये देखिए कि आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि एंगल्स के दरमियान में साइड को आना चाहिए, यानी अगर आप साइड बी सी और ई एफ ले रहे हैं तो इनके दो एंगल्स ये हैं। अगर साइड आप ये ले लें और ये एंगल ले लें तो ये साइड सैंडविच नहीं हुई बिटवीन टू एंगल्स। अगर आप ये साइड लेते हैं तो इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये टू एंगल्स लेने पड़ेंगे ताकि साइड एंगल्स के बीच में सैंडविच हुई हुई हो, ए एस ए से ये मुराद है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अगर आप ये साइड ले रहे हैं तो ये एंगल्स लेंगे, ना कि ये और ये एंगल ले लेंगे या ये और ये एंगल ले लेंगे। इन कॉन्सेप्ट छोटी छोटी बातों को आप माइंड में रखेंगे। हम देखते हैं कि हमने अब इसके ऑनवर्ड्स क्या करना है। देखिए हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रीलिमिनरीज जब आपको इनिशियल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपको सिक्स चीज़ों को चेक करना होता है। तीनों एंगल के कॉन्ग्रेंट हों और तीनों साइड्स के कॉन्ग्रेंट हों तो आप कहेंगे कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। लेकिन हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा था विच इज़ कॉल्ड एस एस पॉस्टुलेट, जो ये कहता है कि अगर आप सिक्स बातों का एविडेंस ना रखते हों, सिक्स चीज़ों का प्रूफ ना रखते हों, यानी तीनों साइड के कॉन्ग्रेंट और तीनों एंगल के कॉन्ग्रेंट, आपके पास कोई सबूत ना हो इस चीज़ का कि हैं ये कॉन्ग्रेंट, तो आप क्या करें कि सिर्फ दो साइड्स और उन साइड्स के बीच में आने वाले एंगल को आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लें। अगर आप ये कर सकते हैं तो यूजिंग एस एस पॉस्टुलेट आप कह देंगे कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। तो अब अगर हम ये देखें कि हम इन दो ट्राइंगल्स को यूजिंग एस एस पॉस्टुलेट कॉन्ग्रेंट करना चाहें तो एक ट्राइंगल की साइड एंगल साइड कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के अगर कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर हम देखें इस साइड बी सी को ई एफ के कॉन्ग्रेंट कह दें,
तो हमने साइड को साइड के कॉन्ग्रेंट कह दिया क्योंकि ये हमें गिवन था, हमारे पास इसका सबूत है कि हमें ये प्रोवाइडेड है इन्फॉर्मेशन कि बी सी साइड और ई एफ साइड कॉन्ग्रेंट है। इसके बाद एंगल का नंबर आता है, एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रेंट है। इसके बाद साइड कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, मतलब है कि इस साइड और इस एंगल के बाद अगर ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट हो जाए तो आप कहेंगे कि जी ये तीसरी साइड भी कॉन्ग्रेंट है, यानी एस ए एस पॉस्टुलेट की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो आप ये कह देंगे कि हमें बाकी तीन चीज़ों को चेक करने के लिए ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। अच्छा, अब एक और ये भी हो सकता है कि अगर आप ये साइड लेते हैं और आप ये एंगल लेते हैं तो फिर आपको ये साइड कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी पड़ेगी, आपकी चॉइस है। आप कोई सी दो साइड्स और उन साइड्स के बीच में आने वाले एंगल को अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं तो आपने इन थ्री बातों को चेक करने के बाद यूजिंग एस एस पॉसिबिलिट ये कह देना है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। तो अब अगर आप इन दो साइड्स बी सी और ई एफ को कॉन्ग्रेंट कह रहे हो यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन, आप एंगल बी को एंगल ई के कॉन्ग्रेंट कह रहे हो अगेन यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको सिर्फ इतनी बात प्रूव कर देनी है कि ये ए बी साइड डी ई साइड के कॉन्ग्रेंट है। अगर आप ऐसा प्रूव कर सकते हैं, यानी आप कोई ना कोई ऐसा सबूत पेश कर दें कि जिसके ज़रिए से आप ये प्रूव कर सकें कि ए बी डी ई के कॉन्ग्रेंट है, तो फिर आपके पास क्या एविडेंस इकट्ठे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कि ये दो साइडें इन दो साइडों के कॉन्ग्रेंट हैं और उनके बीच में आने वाला ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है यूजिंग एस एस पॉस्टुलेट। तो इस थ्योरम में हमने फ़िलहाल ये करना है कि हमने कोई ना कोई ऐसी रीजनिंग दे के ए बी को डी ई के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेना है। अगर हम ये कर लेंगे तो हम एंड पर एस एस पॉस्टुलेट लगाएंगे और हम इस थ्योरम को विद इन वन स्टेप प्रूव कर लेंगे। तो हमारे पास क्या ऐसी रीजनिंग हो सकती है, क्या ऐसी लॉजिक हो सकती है जिसको लेकर हम ए बी को डी ई के कॉन्ग्रेंट कह सकें? इस स्कीम या इस टेक्निक को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे माइंड में आने वाली एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक को हम यूज़ करते हुए अपनी इस बात को प्रूव करेंगे। तो अब वो कंस्ट्रक्शन फिगर के अंदर कोई एक ऐसी चेंज लेकर आएंगे कि जिस चेंज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और उसको या तो डायरेक्ट रीजंस दे के या फिर ऑन कंट्रेरी एक बात को रॉन्ग प्रूव करके अपनी बात को ठीक प्रूव कर लेंगे। तो इस ज़रिए से हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू अपने प्रूफ को मुकम्मल करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द थ्योरम। तो आप देखिए कि अगर हम मार्क्स वाइज बात करें तो एक मार्क फिगर का होता है, लेकिन वो मार्क सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपकी फिगर के मुताबिक थ्योरम हुआ है तो फिर तो आपके ऑनवर्ड्स थ्योरम बिल्कुल ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने फिगर में एक ट्रायंगल एक्स वाई जी लिया और एक ट्रायंगल एम एफ ई लिया और आपने यहाँ पर वही रटा मार के ए बी सी और डी ई एफ लिख दिया, तो आपका गिवन डाटा उस फिगर से रिजेम्बलेंस तो नहीं रख रहा। आपने प्रूव में ये सब कुछ लिख दिया कि हमने ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है, जबकि फिगर कहती है कि आपने एक ट्रायंगल एक्स वाई जी लिया और एक ट्रायंगल एम एफ ई लिया। तो इसका मतलब है कि आपका वो एक नंबर इटसेल्फ तो एक ही था, लेकिन ऑनवर्ड्स जो कुछ भी आपने किया वो सारा गलत हो जाएगा, आपका सिर्फ एक नंबर आएगा। तो कोशिश करें कि आप समझ कर चीज़ों को कर सकें। एक्स वाई जी नाम देंगे तो यहाँ पर एक्स वाई जी लिखें, आपने दूसरे ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर देना है तो आप यहाँ पर पी क्यू आर लिखें। तो अगर आप इसी तरह से इन वर्टिसेस को लेना चाहते हैं तो फिर आप ये तमाम वर्टिसेस यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपसे वर्टेक्स चेंज हो जाता है, मिसाल के तौर पर ए की जगह आप बी डाल देते हैं और बाकी थ्योरम इसी तरह से कर देते हैं, बी की जगह ए की जगह बी, आपसे मिस्टेकनली ये इंटरचेंज हो गए, तो फिर जो कुछ भी आपने किया अगेन वो गलत होगा, क्योंकि उसमें आपके तमाम जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स हैं वो चेंज हो रहे होंगे। इस वजह से आपने चीज़ों को समझ कर करना है, रटा नहीं लगाना। अब आप ये देखिए कि आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो अब देखिए कि हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हमने प्रूव क्या करना है कि साइड ए बी साइड डी ई के कॉन्ग्रेंट है। अगर हम ये कर लेंगे तो हम ऐसे एस पॉस्टुलेट लगाएंगे, ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट
ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट, तो दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रेंट होने पर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। हमने इस वक्त ये प्रूव करना है कि ए बी साइड डी ई साइड के कॉन्ग्रेंट है। अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ और मेरे पास कोई डायरेक्ट रीज़न ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसके ज़रिए से मैं ये कह सकूँ कि ए बी डी ई के कॉन्ग्रेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑन कंट्रेरी मैं ये कह दूंगा कि मिसाल के तौर पर ए बी डी ई के कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर ये कॉन्ग्रेंट नहीं है तो मिसाल के तौर पर ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है, ऐसा ही हो सकता है, या फिर ये साइड बड़ी है ये साइड छोटी है, कोई एक केस ले लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट नहीं है और ये साइड फिर छोटी है इस साइड से। ये फ़र्ज़ कर लें कोई 7 सेंटीमीटर है और ये मिसाल के तौर पर 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो ज़ाहिर है कि 7 सेंटीमीटर छोटी है और 10 सेंटीमीटर बड़ी है। ऑन कंट्रेरी हम ये एज्यूम कर रहे हैं, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ई से लेकर मिसाल के तौर पर ये 1st सेंटीमीटर, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th 7 सेंटीमीटर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुकम्मल हो गए। तो अब ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं मिसाल के तौर पर एम पॉइंट रख देता हूँ। तो अब आप क्या कहेंगे कि लेट सपोज ए बी इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू डी ई, देन टेक अ पॉइंट एम ऑन डी ई सच दैट दिस एम ई एंड ए बी आर कॉन्ग्रेंट एंड जॉइन दिस एम टू एफ। देखिए ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, हम ये कह रहे हैं कि ए बी साइड एम ई के कॉन्ग्रेंट है कंस्ट्रक्शन में, तो इसका मतलब हुआ कि ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है और ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो यूजिंग एस एस पॉसिबिलिटी ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल एम ई एफ के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, इसका मतलब है एंगल ए सी बी को एंगल एम एफ ई के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, जबकि गिवन डाटा में ए सी बी एंगल डी एफ ई के कॉन्ग्रेंट है, जिसका मतलब है कि एम एफ ई और डी एफ ई एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। और अगर ये दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो इसका मतलब हुआ कि एम और डी सेम पॉइंट्स हैं, और अगर एम और डी सेम पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब है कि जब कंस्ट्रक्शन में हम ए बी को एम ई के कॉन्ग्रेंट कह रहे हैं तो फिर ए बी ऑटोमेटिकली डी ई के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और फिर हम यूजिंग एस एस पॉस्टुलेट अपने ओरिजिनल ट्राइंगल जिनको हमने प्रूव करना था कि वो कॉन्ग्रेंट होंगे, हम उनको कॉन्ग्रेंट इस टेक्निक के ज़रिए से कर सकते हैं। तो अब हम कंस्ट्रक्शन में इन्हीं स्टेप्स को लिखते हैं और फिर प्रूफ में यही तमाम बातें जो वर्बली मैंने आपको बताई हम इनको इन रिटर्न ये सारी बातें करते हैं। देखिए आपने ये कहना है कि लेट ए बी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू डी ई, यानी साइड ए बी साइड डी ई के कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर ये दो साइड्स कॉन्ग्रेंट नहीं हैं देन टेक अ पॉइंट एम ऑन डी ई सच दैट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू एम ई, यानी हम ये कह रहे हैं कि ए बी और डी ई कॉन्ग्रेंट नहीं हैं, तो एक पॉइंट एम लीजिए डी ई पर और इस तरह से वो पॉइंट लें कि एम ई और ए बी आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाए। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स देंगे और हर स्टेटमेंट का हमारे पास जो भी रीज़न होगा वो इधर सामने लिखेंगे कि हम किस रीज़न से कोई बात कह रहे हैं। हमने अब इस थ्योरम को प्रूव करना स्टार्ट करना है। देखिए हमने सबसे पहले जब ये कंस्ट्रक्शन की है तो क्या माइंड में रखकर की है, ये माइंड में रखकर की है कि जब हम ए बी को 7 सेंटीमीटर का ले रहे हैं और एम ई को भी 7 सेंटीमीटर का अज्यूम कर रहे हैं कि वो है, तो इसका मतलब है कि ए बी और एम ई कॉन्ग्रेंट है, और हम एस से एस पॉसिबिलिटी लगाते हुए ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल एम ई एफ के पहले स्टेप पर कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी को कंपेयर करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल एम ई एफ के साथ। ट्राइंगल ए बी सी जब एंगल एम ई एफ के साथ कंपेयर किया जाएगा तो आपने कंस्ट्रक्शन में कहा कि ए बी कॉन्ग्रेंट है एम ई के, ए बी एम ई के कॉन्ग्रेंट है, और इसका क्या रीज़न हम देंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ए बी कॉन्ग्रेंट है एम ई के, तो आप यहाँ पर रीज़न दे रहे हैं कि थ्रू कंस्ट्रक्शन हमने ये बात की है।
अब इसके बाद देखिए कि साइड बी सी साइड ई एफ के कॉन्ग्रेंट है, तो साइड बी सी यहाँ पर ई एफ के कॉन्ग्रेंट है, इसका क्या रीज़न है? साइड बी सी कॉन्ग्रेंट है ई एफ के, ये गिवन हमें इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइडेड थी स्टार्ट ऑफ द थ्योरम में। तो अब देखिए कि एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रेंट है, एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रेंट है, और ये हम अगेन गिवन डाटा से कह रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये दो साइड्स और इन दो साइड्स के बीच में आने वाला एंगल बी और उस ट्रायंगल में आने वाला एंगल ई, यानी दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल एम ई एफ के। और ये कैसे कह रहे हैं? यूजिंग एस ए एस पोस्टुलेट कह रहे हैं। तो एस ए एस पोस्टुलेट को यूज़ करके हमने कह दिया कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। आप जानते हैं कि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हों तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं। अब इसका एंगल सी इसके एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि एंगल एफ पर तो तीन एंगल्स बन रहे हैं, यानी एक एंगल एंगल एम एफ ई बन रहा है जो एफ पर है, एक एंगल डी एफ एम बन रहा है जो एफ पर है, एक एंगल डी एफ ई बन रहा है जो एफ पर है। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो एंगल एफ से मुराद कौन सा एंगल है? एम एफ ई, एम एफ ई एंगल, इसको हम एफ एंगल नहीं कहेंगे क्योंकि एफ वर्टेक्स के ऊपर जब एक से ज़्यादा एंगल बनेगा तो हमें उसे इनिशियल और टर्मिनल रे को डिस्क्राइब करके ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम किस एंगल एफ की बात कर रहे हैं इन तीनों में से जो मैंने अभी आपको बताए। तो अब अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करें, यानी ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट तो हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। इसका मतलब है इस ट्रायंगल के एंगल सी को इस ट्रायंगल के एंगल एम एफ ई के साथ कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। इधर मैंने एम एफ ई यूज़ किया और इधर सिर्फ एंगल सी यूज़ किया। इसका रीज़न ये है कि इस ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में सी वर्टेक्स पर सिर्फ एक ही एंगल है, मैं इसको एंगल सी कहूँ या एंगल ए सी बी कहूँ एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर मुझे लाजमी तौर पर एम एफ ई कहना पड़ेगा क्योंकि एफ वर्टेक्स पर एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हैं। ये दो ट्रायंगल ये दो एंगल्स क्यों कॉन्ग्रेंट हैं? हम ये कहेंगे कि ये दो एंगल्स इसलिए कॉन्ग्रेंट हैं क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। हमने इन दो ट्रायंगल्स को जब कॉन्ग्रेंट प्रूव किया तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो हमने ये जो बात की है, ये जो स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट का हमारे पास रीज़न ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसलिए हम एंगल सी को एंगल एम एफ ई के कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। लेकिन गिवन डाटा में आप देखिए एंगल सी किसके कॉन्ग्रेंट था? एंगल एफ के। और उस वक्त तो मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं की हुई थी, उस वक्त तो एफ वर्टेक्स पर सिर्फ एक ही एंगल था और वो था डी एफ ई। तो हम अब कहेंगे कि बट एंगल सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी एफ ई। ये डी एफ ई क्यों लिखा? क्योंकि गिवन डाटा में एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट था, और ये कौन सा एफ था उस वक्त? ये एंगल डी एफ ई था, तो एंगल सी कॉन्ग्रेंट था डी एफ ई के। तो हमने ये बात कहाँ से की? अगेन गिवन डाटा से की। तो अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एंगल एम एफ ई एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है और एंगल सी एंगल डी एफ ई के कॉन्ग्रेंट है। अगर ये एंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो और ये एंगल ऑनवर्ड्स इसके कॉन्ग्रेंट हो तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं आपस में, यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल एम एफ ई एंगल डी एफ ई के कॉन्ग्रेंट है। हम इस बात को यहाँ पर लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी सो एंगल एम एफ ई इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी एफ ई, क्योंकि एंगल सी के ये दोनों ही कॉन्ग्रेंट हैं। तो यहाँ पर रीज़न हम क्या लिखेंगे? बोथ कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, ये दोनों ही एंगल सी के कॉन्ग्रेंट हैं, इस वजह से ये आपस में भी कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल एम एफ ई एंगल डी एफ ई के कॉन्ग्रेंट हम क्लेम कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। देखिए ना, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ ये एंगल है
60 डिग्री का, ये एंगल है 45 डिग्री का, एम एफ ई एंगल और डी एफ ई एंगल, ज़ाहिर है आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अब ये कब इक्वल हो सकते हैं, जब एम जाके इसके साथ कंसाइड कर जाए डी के साथ, तो हम कहेंगे कि विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है, विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन एम एंड डी आर द सेम पॉइंट्स। ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब एम और डी एक ही पॉइंट हो। एम और डी एक पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि ये रे जो एम एफ ई आ रही है, ये इसके साथ जाकर कंसाइड कर गई है, यानी एम एफ ई कहें या डी एफ ई कहें, ये एक ही बात हो जाएगी। यानी हम इस एम पॉइंट को रेज करते 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 डी के साथ को कंसाइड करवा दें, तो फिर डी एफ ई और एम एफ ई कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। तो एम एफ ई और डी एफ ई कब कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब एम और डी एक पॉइंट हो जाएं, एम जाकर डी के साथ कंसाइड कर जाए। तो एम जब जाके साथ डी के साथ कंसाइड करेगा, तो फिर जब हम कंस्ट्रक्शन में ए बी को एम ई के कॉन्ग्रेंट कहेंगे, तो वहाँ पर एम और डी तो सेम पॉइंट्स थे, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि एम ई और डी ई दोनों एक ही बातें हैं। एम और डी सेम पॉइंट्स हैं, देन एम ई इज़ कॉन्ग्रेंट टू डी ई। इसका मतलब ये हुआ कि एम से ई और डी से ई एक ही बातें हैं, क्योंकि एम यहाँ से रेज होता 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 यहाँ पर आ गए। अब एम ई भी वही है और डी ई भी वही है, यानी एम ई और डी ई आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो अब जैसा कि हम इस ज़रिए से ये बात प्रूव कर चुके हैं कि एम ई और डी ई कॉन्ग्रेंट हैं, हम इसका नाम मिसाल के तौर पर फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं। तो अब हम वंस अगेन करस्पोंडेंस ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल ए बी सी की ट्राइंगल डी ई एफ के साथ, यानी इस ट्राइंगल की इस ट्राइंगल के साथ, ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रॉ करते हैं, और हम रीजंस देकर एस एस पॉसिलेट लगाते हैं कि क्या रीज़न है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं साइड ए बी साइड डी ई के कॉन्ग्रेंट है, ए बी साइड इज कॉन्ग्रेंट टू डी ई साइड। क्या रीज़न है, क्योंकि ए बी एम ई के कॉन्ग्रेंट है और एम ई डी ई के कॉन्ग्रेंट है, तो हम कहेंगे कि डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू एम ई एंड एम ई इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी। एम ई ए बी के कॉन्ग्रेंट है और डी ई और एम ई आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, इस वजह से ए बी और डी ई कॉन्ग्रेंट आपस में हो जाएंगे। यानी ए बी एम ई के कॉन्ग्रेंट और एम ई आगे से डी ई के कॉन्ग्रेंट, तो ए बी डी ई के कॉन्ग्रेंट होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल ई के, इसका क्या रीज़न है, गिवन कि एंगल बी और एंगल ई कॉन्ग्रेंट है। उसके बाद अगर हम देखें साइड बी सी कॉन्ग्रेंट है ई एफ के, इसका रीज़न भी क्या है, गिवन। तो अब ये साइड्स और इनके बीच में आने वाला एंगल, ये दो साइड्स और एंगल इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रेंट है। यूजिंग एस एस पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के साथ, और इसका क्या रीज़न देंगे, एस एस पॉस्टुलेट। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी एफ ई के डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। सो इस तरह से हमारा ये थ्योरम मुकम्मल होता है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप जैसे जैसे ऑनवर्ड्स मूव करते जाएंगे, मज़ीद थ्योरम्स पढ़ते जाएंगे, तो आपका एक माइंड थ्योरम्स के बारे में क्लियर होता चला जाएगा और आप इसके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।